कांड पर बनी है ये फिल्म। आज उसका प्रीमियर मुंबई में और कल यानी 29 नवंबर 2024 को फिल्म पूरे देश में रिलीज हो रही है। फिल्म के जो प्रोड्यूसर हमारे विपुल शाह जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं जो इस तरह के फिल्मों को बड़ी प्रमुखता से ली हैं और बड़े पर्दे पर उन्होंने रिलीज़ किया। अधिकतर मैं देखता हूँ फिल्में तो बनती है लेकिन बड़े पर्दे पर रिलीज़ नहीं हो पाती है और जिसके वजह से वो अपनी कहानी को पूरे देश में नहीं दिखा पाते हैं। तो फिल्म की तो बाद में बड़ाई हम करेंगे, सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बड़ाई करेंगे कि वो इतने बड़े पर्दे पर फिल्म को रिलीज़ कर लिए। जब बच्चा जब घर से बाहर निकलता है ना, यानी कि जब तक माँ के पेट के बाहर जब निकलता है तो डर ख़त्म हो जाता है। डर कब रहता है? जब वो अंधेरे में रहता है। अभी हमारे सामने उजाला है, यहाँ पर चांद के साथ साथ सूर्य भगवान भी अपने समय से उठते हैं, समय से डूबते हैं, तो डर किस बात का? अगर कभी मैं कोई कभी गुनाह करूँ तब मुझे कोई डर लगे, मैं कभी कोई गुनाह करता नहीं हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि हर उस निर्माता, हर उस डायरेक्टर और उस कलाकार की मदद करूँ जो आए हैं सपने लेकर के संजोने के लिए। मैं एक प्रयासरत रहता हूँ कि हमेशा उस प्लेटफॉर्म पर सभी को लेकर जाऊँ जहाँ से सभी को फिल्में मिले और सुपरस्टार बने। हम छोटा हो या बड़ा हो सबको एक नज़र से देखते हैं। और रही बात प्रोड्यूसर को इस तरह की फिल्में के लिए कोशिश करना, तो हम भी एक दिन सोचे थे एक फिल्म मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा पीआर बन जाऊँगा, लेकिन आज मुझे लगता है हज़ारों फिल्में करने के बाद भी मैं उसी क्षेत्र में और उसी जगह पर टिका हूँ अपने काम पर। तो जो जिस क्षेत्र में रहता है उस पर लगा रहे तो सफलता ज़रूर मिलती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस तरह की फिल्मों की? मैंने ट्रेलर देखा है, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इशू ही काफ़ी सेंसिटिव है और ऐसे सब्जेक्ट्स पे लोग नॉर्मली फिल्म बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं, फाइनली इट इज़ गेटिंग रिलीज्ड, ये बहुत बड़ी बात है। कितने फिल्में शेल्फ हो जाते हैं, जो लोग हम लोग पीछे रहते हैं हम लोगों को पता है। और बाकी जो घटनाएँ वो इतना दर्दनाक था, हालाँकि ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इस बात को, पर अभी भी हम लोगों को वो न्यूज़ जो हम लोग तब देख रहे थे वो पूरा का पूरा याद है। मतलब ट्रॉमा था। सन 2012 की घटना है, सही है। उसके बाद ये फिल्म बनी थी, सन 2019 में रिलीज होने वाली थी। हाँ। लेकिन सेंसर बोर्ड से सेंसर नहीं होने की वजह से पिक्चर नहीं रिलीज हो पाई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी तब जाके सेंसर इसको मिला और आज 2024 में फिल्म रिलीज हो रही है। सोचिए 5-6 साल हो जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिल्म को रिलीज किया। सही। दर्दनाक है, सही है, बिल्कुल। मैं हिंदुस्तान की सरकार से कहना चाहूँगा कि इसके लिए भी अलग से सरकार बननी चाहिए, जैसे विदेशों में है कि इस तरह से गलत हरकत करने वाले लड़कों को फांसी दी जाती है, उस तरह हिंदुस्तान में भी ये नियम तुरंत लागू करना चाहिए कि कोई भी गलत किसी माँ बहन के साथ ना करे। अगर किसी की मर्ज़ी से कोई करता तो वो बेटर है, लेकिन अगर उसके बगैर मर्जी करता है, जैसे कभी कलकत्ता में हुआ आपने देखा, इस तरह की घटनाएं हमको लगता है हर 3 मिनट में एक होती है, लेकिन वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। सरकार इसकी जिम्मेदार है और सरकार को इसके लिए अलग से सरकार कानून बनाना चाहिए। सही। थैंक यू सर। मैं देना चाहूँगी पूरी टीम को, आर्टिस्ट को, डायरेक्टर सर को, कि उन्होंने एक सच्ची कहानी पे उसको पिक्चराइज किया है, तो आई एम सो हैप्पी। एंड अभी मैं फिल्म देखूंगी तो मैं आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया होगा, तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो घटना हुई थी वो सब लोगों के सामने आए और हमेशा ही वो अच्छा काम करते हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी को लेके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो थैंक यू सो मच विपुल शाह जी कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट लाते हैं और सबके सामने उसको शेयर करते हैं। और कमाल जी ने भी अच्छी एक्टिंग की है और भी मेरे बहुत सारे इसमें एक्टर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। सबसे पहले मैं हैप्पी राय, आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और ये डेली बस जो मूवी है इसके हमारे प्रोड्यूसर हैं विपुल शाह जी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो हैप्पी राय की तरफ से। और अभी मूवी तो थोड़ी सी मैंने देखी और ये घटना के बारे में हर लोग जानते हैं, इंडिया में जितने लोग भी हैं, जो दिल्ली बस निर्भया कांड था, तो
तो मुझे पता है कि जो भी ये मूवी देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग भी पोस्टर देख रहे हैं वो मूवी देखने ज़रूर जाएं। जी हाँ जी, अभी जस्ट हमारी एक भोजपुरी मूवी लाडो रानी, यश मिश्रा जी उसमें एक्टर है, मैं हूँ और एक और बच्ची है उसमें, वो मूवी का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो आप लोग भी इस मूवी को ज़रूर देखें। मूवी का नाम है लाडो रानी, यश मिश्रा और मैं हैप्पी राय जी। हाँ एक्चुअली बेसिकली मैं तो सिंगर हूँ बट एक्टिंग भी करती हूँ, तो मैं एक गाना ज़रूर सुनाऊँगी। पवन सिंह के गाने बहुत अच्छे से मार्केट में चल रहे हैं, हिंदी गाने हैं। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कि जली जाए रे नो कि ढली जाए रे जवानी इंतजार में, हो ढली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक्स मेरे डायरेक्टर शारिक जी का और मेरे प्रोड्यूसर साहब विपुल जी का, जिन्होंने मुझे इस सिनेमा में चुना, और ये एक चैलेंजिंग रोल था हमारे लिए, और ऐसा प्रोजेक्ट जो ऐसी घटना जो 2012 में हुई थी जिससे पूरी दुनिया इमोशन में आ गई थी और लोग हक के लिए लड़े और उनको सज़ा हुई, और जब हम एज एक्टर हमने परफॉर्मेंस किया वो परफॉर्मेंस बलात्कार वाला, तो हम खुद हमारे जो 6 लड़के हैं हमारे आँखों में आंसू थे, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, हमसे करा नहीं जा रहा था। अब सोचिए जब हमसे करा नहीं जा रहा था, तो वो दिल्ली की रात उन लड़कों ने कैसे किया होगा, कैसे उनके दिल में ये चीज़ जैसी गंदी हरकत पैदा हुई। लेकिन अच्छा लगा, और ये इसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा सिनेमा बनाया शारिक जी ने, विपुल जी ने, और कोई कमी नहीं रखी इन्होंने प्रोडक्शन में ना हमारे, हमने पूरा सूरत में शूट किया जो दिल्ली का पोर्शन था, और बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। पिक्चर बनाई है इसमें जावेद भाई से लेके सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, और पिक्चर ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है, बहुत मुश्किल से रिलीज़ हुई है, बहुत जगह अटकी है फिल्म। आज रिलीज़ होना बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आज के दौर में बनाना आसान है, रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है, और इतना बड़ा सर ने हम कलाकारों पर कर्म किया कि इन्होंने रिलीज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है। जो आप लोग देखोगे और आप लोगों को वो दिशे जो 1912 में जो हुआ था उस लड़की के साथ में, वो सब कुछ नज़र आएगा, आपकी आँखों में आंसू रहेंगे। Thank you.